आज मैं आपके साथ बैगन की कुछ नए तरीके की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आपको बहुत पसंद आएगी। इसको हम बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे, नया स्वाद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पूरे आधा किलो बैगन। तो ये मैंने काले वाले छोटे साइज़ के बैगन लिए हैं। यहाँ पर आप चाहे तो हरे वाले बैगन भी ले सकते हैं, या जो लंबे साइज़ के काले बैगन आते हैं वो भी ले सकते हैं। कोई भी बैगन हो चलेंगे। तो सबसे पहले बैगन को हम अच्छे से पानी में धो लेते हैं। धोने के बाद सभी बैगन को हम एक एक करके बढ़िया से साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो हमने सभी बैगन को अच्छे से धो करके पोंछ लिया है। बैगन की एक विशेषता होती है, अगर बैगन अंदर से ख़राब है तो बाहर कोई ना कोई आपको स्पॉट मिलेगा या कोई होल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सभी बैगन बिल्कुल सही है अंदर से, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि बाहर से बैगन बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम स्मूथ हैं। बैगन ताजे होते हैं तो इनमें चमक भी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉट था, मैंने अलग कर दिया है, लेकिन बैगन अंदर से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि बैगन अंदर से ख़राब है तो उसके लिए आप एक एक बैगन में कट्स लगा लीजिए और इस तरह से बैगन को अंदर से खोल करके चेक कर लीजिएगा कि बैगन ख़राब तो नहीं है। तो चलिए मैं सभी में आपको दिखा देती हूँ, कोई भी बैगन ख़राब नहीं है, क्योंकि बैगन बाहर से ही समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ताजे और सही हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर सभी बैगन में एक एक चीरा लगा लिया है। वैसे आपको चीरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन चेक करने के लिए आप इसमें चीरा लगा सकते हैं। अब हम इडली वाली जो स्टैंड की प्लेट होती है ना, इन प्लेट को ले लेंगे और सभी कांचों में एक एक बैगन को हम अरेंज कर देंगे। आप अगर ज़्यादा बैगन की बना रहे हैं ये रेसिपी, तो आप एक ही कांचे में दो दो बैगन एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही प्लेट में हम बैगन को अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने इडली वाला स्टैंड ले लिया है, इसमें लगभग एक गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने लिए हैं 6-7 लाल साबुत मिर्चें। तो इन मिर्च को हम पानी में डाल देंगे और इस स्टैंड को रख देंगे हम गैस में गर्म होने के लिए। जब पानी गर्म हो जाए हल्का, तो हमने ये जो इडली की प्लेट में बैगन रखे थे ना, इन दोनों ही प्लेट को हम स्टैंड में अरेंज कर देंगे। अब इडली स्टैंड के ढक्कन को हम बंद कर देंगे। फ्लेम हम कर लेंगे मीडियम। मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए इन बैगन को हम पकने देंगे। 7 से 8 मिनट में बैगन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 7 मिनट हो चुके हैं, तो ढक्कन को हम अलग कर लेते हैं और आप देख सकते हैं सभी बैगन का कलर चेंज हो चुका है। और इस तरह से आप दबा करके चेक करेंगे तो सभी बैगन बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए एकदम नरम हो चुके हैं। तो बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन प्लेट को अलग निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही प्लेट के बैगन अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं, और मिर्च भी हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। सभी बैगन अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, तो बैगनों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें इन बैगनों को छीलना है। तो हमने जो चीरा लगाया था ना, वहीं से हम शुरुआत करेंगे, तो बड़े ही आसानी से इसका छिलका अलग हो जाता है। आप चीरा नहीं भी लगाएंगे तब भी कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो बैगन बहुत आसानी से छिल जाते हैं। तो इसी तरह से सारे ही बैगन का छिलका हम अलग कर लेते हैं। छीलने के बाद सभी बैगनों के डंठल को हम चाकू की मदद से अलग कर देंगे और अब इन सभी बैगनों को हम बिल्कुल बारीक बारीक चाकू से कट कर लेंगे। वैसे तो आप चाहे तो इसको मैश भी कर सकते हैं मैशर से या हाथों की हेल्प से, बट मैं सजेस्ट करूँगी मैश करने की बजाय आप इसको बारीक बारीक ही काटिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा जाता है। तो लीजिए हमने बैगन को बारीक बारीक काट लिया है और बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े इसके हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने जो नीचे इडली वाले स्टैंड में मिर्च उबलने के लिए रखी थी ना, वो मिर्च डालेंगे मिक्सी के जार में, साथ ही में एक बड़ा सा टमाटर रफली काट करके डाल देंगे और थोड़े से इसमें जीरा डालेंगे। कच्चे जीरा डालना है, फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा। और ये मैंने ले लिया है 1 छोटी चम्मच तेल, तो हम इसमें तेल भी डाल देंगे। अब हम सभी को अच्छे से पीस लेते हैं और उसको फाइन प्यूरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए टमाटर लाल मिर्च की प्यूरी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम साइड में रख लेंगे, इससे हमारी रेसिपी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्ट भी इस तरीके से बहुत अच्छा जाता है। अब हम बनाएंगे स्पेशल मसाला। इसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच ले ली है ताजी मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई पड़ती है ना, लगभग 2 छोटी चम्मच के करीब मलाई है। यहाँ पर हम दही का नहीं मलाई का इस्तेमाल करेंगे और मलाई को अच्छे से फेंटेंगे। मलाई से बहुत ही बढ़िया टेस्ट जाएगा। मलाई की जगह आप यहाँ पर फ्रेश क्रीम अमूल की या कोई भी ब्रांड की हो यूज़ कर सकते हैं, बट मलाई हर किसी के घर पर बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हम यहाँ पर मलाई ही लेंगे और मलाई को हमने अच्छे से
फेंट लिया है, एकदम स्मूथ कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच ही भर करके हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच इसमें डालेंगे हम भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच भर करके इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर जाएगा, और बिल्कुल चुटकी भर इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, करीब यहाँ पर 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर लिया है, तो काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल मसाला जो कि है छोला मसाला, तो एक चम्मच भर करके छोला मसाला डालना है, इससे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है हमारी रेसिपी का जो हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं, बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा। तो छोला मसाला हो तो ज़रूर डालिएगा, ना हो तो फिर गरम मसाला भर डाल दीजिएगा। एक चम्मच भर करके डालेंगे सफ़ेद तिल, और एक चम्मच ही इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया, और साथ ही में हमने यहाँ पर ले लिए थोड़े से करी पत्ता, तो इनको भी हम क्रश करके डाल देते हैं। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मलाई के साथ मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई रखी है, आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हो, नॉन स्टिक या बिना नॉन स्टिक वाली। इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा को बढ़िया से चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, करीब हमने 5-6 कलियाँ लहसुन की ली थी। लहसुन को बढ़िया सुनहरा होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना, जब तक लहसुन का बढ़िया सुनहरा कलर नहीं हो जाता तब तक आपको इसको हाई फ्लेम पर बढ़िया से फ्राई कर लेना है। लहसुन का कलर सुनहरा हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली काट लिया है, और अब हम प्याज को भी सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज आप देख सकते हो लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हमने जो टमाटर और मिर्च वाली प्यूरी बना के रखी हुई थी ना, इस टमाटर की प्यूरी को हम डाल देंगे, और इसकी हम बढ़िया से करेंगे भुनाई। जब तक भुनना है जब तक कि सारा तेल ऊपर नज़र नहीं आने लगता और इसका बढ़िया कलर चेंज नहीं हो जाता। तो लीजिए खूब अच्छे से टमाटर की प्यूरी भुन चुकी है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हमने जो अपना स्पेशल मलाई वाला मसाला बना के रखा हुआ था ना, इस मसाले को भी हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हम कटोरी को क्लीन करते हुए पानी डाल देंगे। अब हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। अब हम मसाले को भी अच्छे से टमाटर की प्यूरी के साथ मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो अभी इसका कलर वापस से थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन हम इसको मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भूनेंगे। जैसे जैसे भूनेंगे इसका वापस से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, और बढ़िया सी इससे खुशबू आने लगेगी। तो चलिए इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन चुका है, मलाई बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी आपको वाइट कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। जब मसाला भुन जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मटर डाल देंगे। हरी मटर ना हो तो मत डालिएगा, क्योंकि इस मौसम में नहीं आती है, तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें कटे हुए बैंगन मिला देंगे, और बस बैंगन को भी अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने से जो बैंगन का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और काफ़ी अच्छे से ये मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको ढक देते हैं, और ढक करके हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, और बैंगन जो है बहुत अच्छे से पक चुके हैं। आपको मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी बैंगन की सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। तो ये नए तरीके की बैंगन की सब्ज़ी एकदम हमने नए अंदाज में बनाई है, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे बस एक बार इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी आप बना करके अगर खा लेंगे तो। वैसे तो आप इसको बैंगन का भरता भी बोल सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल नए टेस्ट का बैंगन का भरता है या बैंगन की सब्ज़ी है। मेरी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आई, सबको लग नहीं रहा था कि ये ना तो बैंगन का छौंका लग रहा था ना बैंगन की सब्ज़ी लग रही थी, एक नया ही स्वाद आ रहा था। सभी बोल रहे थे आखिर इसको बनाया कैसे है। तो सच मानिए आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सादा रोटी, नान रोटी, पूड़ी, पराठा, किसी चीज़ के साथ भी खाइए, टिफ़िन में ले जाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको आज की ये बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।